यहाँ पर जो मेरे साथी बैठे हुए हैं और मेरे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनको मैं जय हिंद करता हूँ। और मेरे जितने भी साथी आ गए हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए मेरी हमारी रिटायरमेंट की पार्टी पर। मैं 1/8/1985 को पुलिस विभाग में सिपाही भर्ती हुआ था और इस दौरान बहुत ज़्यादा पुलिस अफसरों के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ, जूनियर ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला और मेरी लगभग सारी सर्विस मिलती है, थाने चौकियों की सर्विस है। और इस दौरान मेरे 4 पुलिस अफसर रोल मॉडल रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो मेरे हीरो रहे हैं। उनको मैंने कॉपी करने की कोशिश करी, उनके काम को कॉपी करने की कोशिश करी, उनका जो अनुभव था उनके आधार पर सीखने की कोशिश करी। इसमें सबसे पहले श्री नवदीप सिंह विरक IPS, जिन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम चौकी चार्ज लगाया था जब मैं सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ था। उन्होंने बहुत गहरी बात में बताई थी, उसी से बहुत बड़ी शिक्षा मिली थी। जब मैं चौकी चार्ज था यहाँ पर सेक्टर 14 में, तो राइडल वालों से उनका वेतन छीन लिया था अपराधियों ने और वो रात को 2 बजे खुद मौके पर आए। तब उन्होंने कहा था मुझे, दिनेश जी, पुलिस अफसर की लापरवाही का खामियाजा ना केवल पुलिस वालों को भुगतना पड़ता है बल्कि समाज को भी भुगतना पड़ता है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो ये बात मैंने पल्ले गांठ बांध ली थी। जब भी मेरे साथ जितने भी मेरे जूनियर रहे या मैंने ड्यूटी करी, तो मेरी कोशिश यही रहेगी पुलिस विभाग में रहते हुए कभी लापरवाही ना करें। और दूसरा मेरा रोल मॉडल रहे श्री संदीप खेवार IPS, उनके टाइम पर मैं इंचार्ज इंटेलिजेंस रहा था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पुलिस अफसर की जुरिडिक्शन में, कोई भी पुलिस अफसर जिस जुरिडिक्शन में काम कर रहा है और सीनियर अधिकारी उससे कोई इंफॉर्मेशन मांगे और तय समय पर यदि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है अपने उच्च अधिकारी को, तो इसमें उसके अंदर कैली बनता है। यदि आप जिस भी एरिया में फील्ड में नौकरी कर रहे हो और आपके अधिकारी को इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और उस समय अवधि में जिस टाइम पर वो मांग रहे हैं, यदि हम पब्लिक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इट मीन हमारे काम में डूब रही है। तो ये गुण हमने श्री संदीप कुमार IPS से सीखे। तीसरे मेरे रोल मॉडल रहे हैं श्री आलोक मित्तल IPS, वो हमारे ज्वाइंट सीपी भी रहे, उनके टाइम पर मैं एडिशनल सुरा था। उन्होंने एक बहुत गहरा सूत्र दे रखा था कि कोई भी अपराधी को जब आप पकड़ते हो, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उस अपराधी की अपराध की तह तक जाओ, उसने ये काम क्यों शुरू किया और वजह क्या रही है और आगे क्या प्लान है, पूरी मतलब वो एक एक बात की गहराई पूछते थे। ये गुण मैंने श्री आलोक मित्तल IPS से सीखा। और चौथे मेरे रोल मॉडल रहे, मैं अभी 3 साल नौकरी कर पाया हूँ, फरीदाबाद अरोड़ा साहब, श्री विकास अरोड़ा IPS साहब, उनसे मैंने सीखा कि कंप्लेंट ब्रांच इंचार्ज रहा 6 महीने का, कि पुलिस के पास कोई भी शिकायत लेकर आ रहा है तो ये डेफिनेट है कि वो परेशान है। थाने की चार दीवारी या चौकी की चार दीवारी के अंदर कोई भी आदमी पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर पहुंचा है तो इतनी वो परेशान है और हम उसका काम करने की बजाय अपने व्यवहार से उसकी परेशानी को और बढ़ा दें तो उसके दिल में क्या करें। ये हमने उनसे सीखा, कोई भी शिकायत करता पुलिस के पास आए उसकी वेदना को हमने समझना है और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर के साथ है, नौकरी के लिए ऐसा मेरे को पूरी सर्विस में जो एक्सीलेंट वर्क कहीं मिला है तो सर ने मुझे दिया है, जो मेरे एशिया में लिखा हुआ। थैंक यू सर। और मैं एक बार सर का परिचय कराना चाहूँगा। सर फरीदाबाद में थे एसीपी क्राइम, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि फरीदाबाद में इनके रहते हुए कोई भी ये एसएचओ माने सकते, एसएचओ आईपी माने सकते, मैं एसएचओ माने सकता। और हमारा कम्युनिकेशन ऐसा था दोनों थानों का, जब भी कोई बात हो जाती थी तो ये तुरंत फोर्स लेकर मेरे पास आ जाते थे और मैं तुरंत फोर्स लेकर मनोज जी के पास चला जाता था। और इस दौरान काम किया है इनका व्यवहार, और मतलब एक सौम्य व्यवहार इनके व्यवहार की कायल है सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आप सभी को मैं पूरे विभाग का और अपने सारे ऑफिसर्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया है। और रियली ये मेरे ऊपर पूरे पुलिस विभाग का ऋण है। मैं हमेशा जो नई जनरेशन है उसको कभी भी कोई काम की जरूरत